डरता भी नहीं किसी से। ना ना डरने वाली बात कर, पूछ ले किस किसने बोला, किस किसने बोला बता दे। फालतू के बोल लिया है ये, हमसे बात कर, जो बात करनी थी। A few moments later. So hi guys, good morning. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, मस्त होंगे। और हम जल्दी अपना नया ब्लॉग बनाने के लिए, लक्की भाई हैं मेरे साथ और जा रहे हैं एक डिफरेंट लोकेशन पे। और उससे पहले आपको बता देता हूँ, मैं जो हमारा परसों एक सीन हो गया था कमल भाई के साथ, मेरी बाइक ठोक दी थी उस दिन। हमने सोचा शायद वो खत्म ही हो गया है मैटर, बट शॉप पे आए ना, उससे वो बात कर रहे हैं। मैंने सोचा छोटी मोटी बात ही भूल गए होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम जा रहे हैं एक डिफरेंट लोकेशन पे और आज का ब्लॉग भी होने वाला है बहुत मस्त। और ये है काशीपुर रोड, काशीपुर का ये हाईवे है, बहुत प्यारी रोड है ये। और ये है चौधरी वैष्णो ढाबा, और काफ़ी अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे दोस्तों। वैसे तो मेरा दोस्त है वो, बहुत मेरा जिगरी यार है, मेरे साथ जिम वगैरह भी करने के हम पार्टनर है। बट उस दिन पता नहीं किस तरीके की उन्होंने ऊंची सी हरकतें की थी, जिस वजह से गलती उन्हीं की थी, हालांकि गलती उन्हीं की है, और खुद ही उन्होंने बोलना हमसे बंद कर दिया। समझ नहीं आया क्या मैटर हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए जो भी है यार, ये बड़ा दिक्कत गुस्सा चढ़ता है जब ये बाइक चलाते समय फ़ोन किसी का आता है ना, भयंकर दिमाग ख़राब हो जाता है यार। लग गया फ़ोन आ रहा है किसी का यार। हेलो, दिनेश सिंह बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, विकास बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ विकास भाई, नंबर सेव है आपका, क्या हाल चाल है? हाँ बताओ, अब क्या बात फैलाए जा रहे हो हमारे बारे में? यार हमने तो कोई बात ही नहीं बोली किसी से, हम तो यार तुमने उस दिन मैटर किया तो, और तुमने उस दिन से बात करना बंद कर दिया। हमने कुछ जानबूझ के किया था जो आप हमारे बारे में? नहीं जानबूझ के तो खैर तुमने किया ही था, लेकिन वो मैटर तो क्लोज हो ही गया है, वो तो जानबूझ के तो किया था तुमने। अरे हमने जानबूझ के क्या किया, मतलब जब लड़ती थोड़ी मारी हमने जाके यार। नहीं नहीं जानबूझ तो दिख ही रहा था, हमने जाके गाड़ी ठोकी है, वो हमसे फालतू बहस कर रहे हैं, हमने किसी से नहीं बोला भाई, तुम अपने मन से कुछ ही बोलते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। हमने किसी से बात करनी, मुझे आपको मिल गई बात करनी। ना ना हम तो काशीपुर जा रहे थे, आप बताओ आप कहाँ हो? हिम्मतपुर में ही है। हिम्मतपुर में? हाँ। अच्छा तो मैं फिर काशीपुर से आके मिलता हूँ आपसे। नहीं भैया इतना टाइम नहीं हमारे पास। नहीं तो हमारा पास कोई फालतू टाइम थोड़ी है। कहाँ हो आप, हिम्मतपुर में कहाँ हो? चलो ठीक है आते हैं, मिलते हैं आपसे भी। चलो आ रहे हैं 5 मिनट में आ रहे हैं, पहुंचे तुम्हारे पास। दोस्तों हम जा रहे थे एक ब्लॉग शूट करने के लिए, और अचानक से ही जो बात मैं भी बोल रहा था लक्की भाई से, वही बात हो गई। अचानक से ही गुप्ता का फोन आ गया है, कमल का फोन तो नहीं आया, गुप्ता का फोन आया, बोला बहुत जरूरी बात करनी है, मैं 64 गेट पर हूँ। जा रहे थे काशीपुर, पहुंच गए आधे रोड पे, अब इन लोगों का फोन आ गया, बोला अर्जेंट बात करनी है। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या अर्जेंट बात है उसकी। भाई लड़ाई झगड़े का हमारा तो कोई ऐसा मूड है नहीं, क्योंकि हमने तो लड़ाई झगड़ा उस दिन नहीं किया, हम करना चाहते तो उस दिन लड़ाई झगड़ा कर सकते थे, जबकि उस दिन मैटर क्लोज कर दिया था। अचानक से गुस्से से बाइक लेके चले गए थे कि जैसे कि कभी हमसे बात ही नहीं करनी होगी। हमने सोचा चलो ठीक है मैटर क्लोज हो गया है। और दोस्तों ये है 64 गेट का अंडर पास, बड़ा खतरनाक से सीन होते हैं दोस्तों इन अंडर पास के भी, मुझे तो बड़ा अजीब सी दुविधा लगती है इसके अंदर जाते हुए, जैसे कोई गुफा टाइप की होती है ना वैसे। सीन ख़राब है भाई, बहुत गहरा है यहाँ पे, हद हो गई यार। यार 64 गेट तो यही है, बंदे कहाँ हैं? बंदे यहाँ तो है नहीं यार, ये कहाँ पे लाए होंगे यार, ये कहाँ बुला रहे हैं हमें यार खाली। और दोस्तों हम पहुँच गए बिल्कुल 64 गेट के रोड पे, ये है जंगल 64 गेट का, और लड़के आगे खड़े हैं शायद वही, लेकिन विकास ने तो बोला था मैं अकेला हूँ करके, तो दो तीन लड़के हैं यार। A few moments later. हाँ विकास भाई, कौन सी बात फैला दी यार तुम्हारी? यार यार हमने कुछ जानबूझ के गाड़ी ठोकी आपकी? हो नहीं जानबूझ के तुमने ठोकी है, वो तो सब दिख ही रहा था यार। लक्की भाई फालतू नहीं बोल रहा यार, लक्की भाई उस दिन ही फालतू नहीं बोले थे, उस दिन मैं ही बोला था लक्की, उस दिन ही फालतू नहीं बोले तुम लोग यार, जानबूझ के तुम यार ठोक दे रहे हो यार, तुम इस यार सुनसान जंगल में बुला रहे हो यार। खुद पूछ लो बंदे से, पूछ लो यार तुम किसी से ही पूछ लो, तुम्हारे साथ लक्की भाई थे वहाँ? नहीं थे। किस थे लक्की भाई? थे, लेकिन लक्की भाई बोले कहाँ थे? ना खुद पूछो। अरे कहाँ लक्की भाई ने हल्का फुल्का बोला तुमसे, कोई तुमसे भैंस थोड़ी कर रही है। तीन चार लोगों ने कह दिया यार, तीन चार लोगों ने कह दिया। तुमसे किसने कह दिया भैंस? खाली हम यार, हमने भी कह दिया यार, यार जो हमने किसी से बोला ही नहीं है भाई। लक्की तुम्हारी रंग कब तोड़ी हमने, जब हम वहाँ पहले ब्लॉक पे गए थे? तो हो गए काफी देर हो गई, हल्की सी मारी थी यार। हमारी गलती से दियो यार, वो तुम्हारा पैर खुद भी चला था।
तुम्हारा पैर खुद खींच रहा था, हमने नहीं मारा। मैं तो साथ में था भी नहीं उस टाइम, लेकिन फिर भी कह रहे हैं लोंडे मोटे। तो वही तो चीज कह रहा हूं, गाड़ी जब आगे से तुम गलत चलाओ तो पिछली गाड़ी तो टकराएगी तुम। भैया तो तुम्हारी गलती भी तो तुम्हारी है इसमें। यार भाई हमारी क्या गलती थी यार, तो साइड को खड़ा नहीं थी यार, तुमने इतना बड़ा मैटर बना दिया उस मैटर को। यार बात नहीं कर रहा, तुम मत बोलो यार। मतलब बात कर रहे, मतलब तुम यार तुम मतलब तुम तीन बंदे आ रखे हो यहाँ पे, मत बोलो। मेरा दिमाग खराब मत करो, बता रहा हूँ। फालतू बोलने वाली क्या बात है भाई। ओ भाई आराम से बात कर रहे ना, आराम से बात कर लो। गर्मी मत दिखाओ भाई। तुम गुप्ता जी तुम ये मत समझना कि मैं दो बंदों को बुला के लाऊं कि भयंकर, ऐसा कुछ नहीं है। गर्मी मत दिखाना भाई, क्या है। मैं डरता भी नहीं किसी से। ना ना डरने वाली बात क्या, डरना क्या कोई आपको। हाँ ओए भाई तू आराम से बोल, आराम से बोल भाई। कमल भाई है कौन, इस बंदे को क्यों लेके आया, बोला कौन है ये। बंदे से तो बोला तीन चार बंदे से पूछ लिया, किस किसने बोला, किस किसने बोला, बता दे। ये क्या फालतू के बोल लिया है ये। अरे चले यार, कौन है, चले यार, चलो भाई चलते। ओ भाई पहले बात सुन ले। अरे ओ भाई तमीज से, ओ भोसड़ी के तमीज से पहले सुन। ओ भाई ओए सारे चिकने यार। गुप्ता जी क्या बात हो गई भैंस, तुम यार गुंडागर दिखा रहे हो यार अपने यार। है टी शर्ट फाड़ के लगे कि तुमने यार भैंस, कोई बात हो गई साली यार। कमल भाई हो गया, कमल भैंस सारे चिकने। ओ गुप्ता जी यार तुम भैंस यहाँ पे गुंडागर दिखाने के लिए लाए थे, लड़ाई झगड़ा करने के लाए थे यहाँ पे। वो छोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करने के लाए थे तुम यहाँ पे। बदतमीजी कर रखी है, तुम बोला बिल्कुल फालतू। साले लात मत मारना गाड़ी पे, बता रहा हूँ अभी। कोई भैंस तर यार क्या तरीका होता है गुप्ता जी यार। हम तो भैंस तुमसे बड़े गुस्सा भाई दूर भैंस बिल्कुल यार, तुमने तो हद्दी कर दी यार साला। चुता पा यार गुप्ता यार, तुम्हारी बात नहीं। मैं भैंस दिमाग खाने मर गया सारा, इनको हमने मारे। गाड़ी भैंस यार, तुम लोग भैंस करने के लिए आ रखा है यहाँ पे यार, लड़ाई करने के लिए आ रखा हमसे। हमसे बात करना। ओ भाई ओए हमसे बात कर, जो बात करनी थी। ओ तेरी भोसड़ी का गाड़ी आ गया सारे, कोई नहीं आ गया यार। अरे देख रहा दोस्तों यार, गाड़ी गिरा दी साले ने यार। छोड़ मानी बेटे तुझे, तू बच जाना बेटे, छोड़ मानी तुझे बेटे साले। नहीं भैंस गाड़ी का गिराई, फिर भैंस मैटर क्या, तू टी-शर्ट शर्ट फाड़ दी यार। उसको जाकर देख लो, हमें नहीं पता। तुम दादी रही दिखाने के लिए आ यहां पे, देख जाके देख क्या हाल हो गया उसका, जाके देख उसका हाल क्या कर दिया साला। कोई बात नहीं साला, एक एक नाम की रिपोर्ट करूंगा, रिपोर्ट करूंगा भाई तेरे नाम की, तीनों के नाम की। भैंस गाड़ी तोड़ दूं मैं साला, रिपोर्ट करो तुम्हारे तीनों के नाम की। कोई बात नहीं बेटे, तीन तुम गुंडागर्दी दिखा रहे हो ना अपनी, नहीं उतारूंगा तुम्हारी गुंडागर्दी। तेरी माँ का तेरी का रख साले। लक्की भाई यार, लक्की भाई को कहाँ फेंक देना यार। अरे भयंकर यार गजब साले, गुंडागर्दी करने के लिए आए थे यार यहाँ पे। लक्की भाई ओ लक्की भाई, ओ भयंकर यार, तमाम खून ही खून कर दे लक्की भाई का यार। माई गॉड लक्की भाई यार, ओ माई गॉड यार, बहुत बुरा। लक्की भाई चलो यार उठो जा, भैंचो साले गुंडागर्दी खाना आए थे यार, चलो। ओ माई गॉड यार दोस्तों, लक्की भाई के कर दिया बहुत ज़्यादा खून। चलो लक्की भाई आओ यार, भैंचो गुंडागर्दी दिखाना आए थे यार लक्की भाई। यार दोस्तों देख रहे हैं आप लक्की भाई का क्या हाल कर दिया, लक्की भाई का तमाम ब्लड वेड कर दिया, देखिए कितनी बुरी स्थिति कर। लक्की भाई यार भयंकर यार, क्या पता था साले इतनी ऐसी वो कर देंगे यार, साले बहन के लौड़े यार कहीं के साले यार। ओ माई गॉड, एक एक करके मारूंगा सालों को, अब देखना ना सालों के ना, इनकी साले कंप्लेंट करेंगे इनकी। हाँ यार भैंस दोस्तों बहुत बुरा सीन हो गया आज तो, खाली हमें पता होता कि इस तरीके से अगर करेंगे यार तमाम खूनी खून और का लक्की भाई यार। अगर हमें पता होता इस तरीके से ये साले हरकत करेंगे तो भैंस के लड़ों को हम भी यार हाथ दोगे। हम तो तैयारी से नहीं थे ना भैंस चोद यार, लोगों ने वो दिनु भाई इसलिए। अरे मेरे दोस्त नहीं थे यार, भोसड़ी का यार तुम पीली पीली भैंस लेना ना देना। अरे तो मुझे थोड़ी ना पता था भैंस गड़े इस तरह की हरकत यार, इस तरह की हरकत हो जाएंगे यार भैंस यार खाली। और दोस्तों सीन हो गया बहुत खराब, देखिए लक्की भाई के किस तरीके से, देखिए दोस्तों किस तरीके से नखून मार दिए लक्की भाई के, और तमाम उनके ब्लड निकल गया है, बहुत बुरी स्थिति कर दी है लक्की भाई की, तमाम हर जगह नखून नखून मार दिए दोस्तों इन्होंने यार। एक तो पता नहीं कौन था उसमें से, वो बहुत ही खतरनाक लड़का था, वो उसने छूटते ही हाथापाई करी हमारे साथ में। हमें नहीं पता था कि इस तरीके की बदतमीजी करने के लिए इन लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया है। गाड़ी का भी क्लच वलच दोस्तों सब तोड़ दिया है।
फिलहाल हम चलते हैं घर की साइड में, क्योंकि लक्की भाई के काफ़ी स्क्रैचेस वगैरह आ गए हैं, नखून वखून मार दिए उन्होंने काफ़ी, उनको झाड़ी झूड़ी में फेंक दिया। तो फिलहाल चलते हैं घर की साइड में, और दोस्तों मैं करता हूँ फिलहाल वीडियो का एंड और मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्टे सेफ, स्टे होम। ठीक है दोस्तों, टाटा बाय बाय।